नमस्कार, आई एम आरजे जेत्री एंड यू आर लिसनिंग रेडियो कैंपस 90.4 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। सो आज फरी एक बार स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आया है, जिनका नाम है चिरंजीत गुहा। चिरंजीत गुहा फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ना मुख्य सलाहकार है। तेमणे आईआईटी रुड़की माथी एप्लाइड जियोलॉजी में एमटेक कर्यू छे। साथे साथे एनालिटिक्स, पर्यावरणीय जागृति, माइनिंग, हाइड्रोजियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सीस्टम्स में कुशलता प्राप्त करी छे। तेओ कम्पोजिट लैंडस्केप असेसमेंट एंड रिस्टोरेशन टूल तेमज ग्राउंड वॉटर मॉनिटरिंग टूल ना मुख्य आर्किटेक्ट छे। तेमणे ग्रामीण समुदायों हाथ में माहितीनी शक्ति आपी छे, जेनाथी तेओ सक्षम बने अने पाणीना टकाऊ वपराश माटे योग्य पगला लई शके। चिरंजीत जी एक मिशन पर छे, जेनु स्लोगन छे नापो जल बचाओ कल। भविष्य में पानी की समस्या तो गंभीर रूप धारण करी ज रही छे, एना माटे अत्यारथी ज सतर्क थई जवुं एमां ज समझदारी छे। तो चालो नापो जल बचाओ कल आखरे छे शुं ए एमना ज मुखेथी सांभळी लईए। सभी को नमस्कार, आज हम लोग आप लोगों को नापो जल बचाओ कल कैंपेन के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये एक इस तरीके का कैंपेन है जिससे हम लोग भूमिगत पानी के बारे में बात करेंगे। अगर हम पूरा देश भर की बात करें इंडिया में, तो करीब करीब 70% पानी जो जमीन के नीचे से निकल के खेती में या ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के यूज हो रहा है, इसमें से ज्यादातर पानी जमीन के नीचे से आ रहा है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बोल रहे हैं। और अगर पूरा विश्व में बात करेंगे तो करीब करीब 25% पानी का दोहन जो होता है वो इंडिया से होती है। लेकिन इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये आता है कि ग्राउंड वाटर का सिचुएशन पूरा कंट्री में हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास उस तरीके का आंकड़ा नहीं है कि जमीन के नीचे पानी कितने नीचे है, इसका अभी का स्टेज कैसा है, ये बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, इसके बारे में पता नहीं चल सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं होता है। जबकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के तरह से करीब 15,000 से 16,000 कुएं का हर साल 4 सीजन्स में इसका मॉनिटरिंग हो रहा है, लेकिन ये एक रीजनल पिक्चर को सामने लाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गांव लेवल पे इसका पिक्चर सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारे पास उस लेवल पे ग्रैनुलर डेटा नहीं है। ये डेटा अगर हम लेके आ पाते हैं, जिसके साथ में हम लोग कोशिश करते हैं कि हर कुएं को नापा जाए, और पूरा देश में करीब 6.5 लाख गांव है, अगर हर गांव से 2 या 3 कुआ भी इसका डेटा आ जाते हैं तो हमारे पास एक ग्राउंड वाटर मैप ऑफ इंडिया बहुत अच्छा तरीके से बन सकता है, और जिसके हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि बारिश के पहले और बारिश के बाद में जल स्तर के अंतर कितना हो रहा है, उसमें प्री मानसून में सिचुएशन कैसा है, मतलब बारिश के पहले पोस्ट मानसून में कितना उसका सिचुएशन आया, वो बढ़ गया या घट गया, ये हमें पता चल जाता है। और साथ में ये भी पता चलता है कि कौन सा जोन में हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाए आसान से, और कितना एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कितना पानी अवेलेबल है अगले क्रॉप सीजन के लिए। ये सब चीजों के लिए हमें ये हर गांव से हर एक कुएं का नापना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हर महीने में नापना है, ताकि जब बारिश के पहले और बारिश के बाद ये 2 सीजन में एक एक बार भी अगर कुएं का नाप लिया जाए तो बहुत सही होगा एक ग्राउंड वाटर मैप ऑफ इंडिया बनाने के लिए। और ये इसी के आधार पे अगर हम लोग बात करेंगे तो करीब 2020 से हम लोग एक ये कैंपेन चला रहा है, जिसका हम लोग नापो जल बचाओ कल की नाम से ये कैंपेन चला रहा है। और इसमें करीब करीब पहले साल में 40 संस्था जुड़ के काम चालू किए थे, जिसमें करीब करीब पहले साल में 18,000 कुआ करीब 12 स्टेट में हम लोग मॉनिटर कर पाए थे। लेकिन अभी 2020 से शुरू करते 2022 तक करीब 100 से ऊपर संस्था और लोग इसमें जुड़ गए, जिसमें करीब करीब आज का दिन पे 35,000 वेल्स हम लोग लास्ट सीजन तक मॉनिटर कर पाए। और अभी इस साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर एरिया में ये कैंपेन चलाया जाए कि मोस्ट ऑफ द वेल्स शुड बी कवर्ड, सो कि जो पानी का स्थिति है गांव लेवल पे उसके बेसिस पे हम लोग मैप बना पाए। तो ये नापो जल बचाओ का अभियान है, इसमें आप सब आइए, जोड़िए और इससे आप भी इससे हिस्सा बनिए, और आपके गांव की आपके घर की कुएं का नापे और उसका डेटा को आप लोग अपलोड कर दे। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ये जो डेटा अपलोड होती है ये सबको मिल जाता है, ओपन सोर्स है, और उससे आप लोगों को मैप का फैसिलिटी मिलती है। आप आपका गांव का मैप बना सकते हो ऑन द फ्लाई, मतलब आप कंप्यूटर के सहायता से या मोबाइल फोन के सहायता से ये डेटा को देख सकते हो, इस डेटा को अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और
इससे आपको ये फायदा होता है कि आपको घर बैठे जानकारी मिल जाती है कि आपके गांव का स्थिति क्या है। आपने एक या दो कुआं नापे, लेकिन आपके जो साथी है, आपके जो दोस्त है, आपका जो साथ में जो रहते हैं, जितना भी लोग इस कैंपेन में हिस्सा बनेंगे, उससे और ज्यादा भी डेटा आएगी और अच्छे से मैप बनता जाएगा, डेटाबेस स्ट्रांग हो जाएगी। और इसीलिए आपसे सबसे निवेदन है कि आप लोग इस कैंपेन के साथ जोड़िए और आपका कुएं को खुद नापिए और उस डेटा को आप लोग अपलोड कर दीजिए। तो ये नापो जल बचाओ कल अभियान के साथ अगर हम लोग सब जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा का डेटा हम बना पाएंगे देश के लिए, जो एक नेशन बिल्डिंग की तरह दिख सकते हैं हम लोग। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा के साथ जुड़ जाएंगे तो पूरा देश भर के लिए बहुत अच्छा ग्रैनुलर डेटा मिल जाएगी। तो ये नापो जल बचाओ कल अभियान को सक्सेस करने के लिए आपका सहायता हमें बहुत जरूरत है। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग भी डेटा को अपलोड कीजिए। एक सिंपल ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, जिसका अवेलेबिलिटी प्ले स्टोर में भी है, और इसके लिए एक लिंक है जो www.indiaobservatory.org.in में अवेलेबल है। इससे आप लोग डेटा डाउनलोड कर सकते हो। इसका मूवी बना हुआ है, कैसे डेटा को अपलोड करना है इसके बारे में पूरा जानकारी इसमें मिल जाएगी। ये सिर्फ 5 मिनट की एक काम है, आपके कुएं का डेटा को आप लो और अपलोड करो। और इससे साथ आप जितना भी कुआ पूरा देश भर में है, 6.5 लाख गाँव में अगर एक एक कुआ भी बन जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से एक मैप बन जाएगी। और जिसको यूज करते हुए आगे का जो काम है पानी बचाने का, पानी संरक्षण करने का, उस पे एक इंफॉर्मेशन के साथ वो काम बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। धन्यवाद। ऑल राइट, तो चिरंजीत जी ने सांभळ्या पछी तमने थोड़ो ख्याल तो आवी गयो हशे कि तेओ फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ना माध्यम थी एक कैम्पेन चलावी रह्या छे जेमां भूगर्भ जल नुं स्तर मापवामां आवे छे। हवे आपणने प्रश्न थाय के आखरे भूगर्भ जल मपाय कई रीते, तो एना माटे 50-100 मीटर लांबी मापन टेप जोईशे। दरेक ગામમાં કમસે કમ એક કુવાનું જળસ્તર મપાવવું જરૂરી છે। આના માટે સિમ્પલ સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના છે। સૌથી પહેલા તો કુવાની દિવાલની ઉપરથી પાણીનું સ્તર માપવાનું છે। બીજી વાત, દિવાલની ઊંચાઈ માપવાની છે। અને ત્રીજી વાત, ઊંડાણમાંથી દિવાલની ઊંચાઈ બાદ કરવાની છે અને એપ્લિકેશનમાં વિગત ભરવાની છે। હવે તમને પ્રશ્ન થશે કે આ એપ્લિકેશન શું છે, તો એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર પર ફ્રીમાં મળશે, જેનું નામ છે GWMT। તમે જે કુવાની માપણી કરી છે તેને GWMT એપ પર અપલોડ કરી શકો છો। અને એની પર અપલોડ ન કરવી હોય તો બીજી એક વેબસાઇટ છે જેને પેન અને પેપર સાથે નોટ કરી લો, www.indiaobservatory.org.in। આ વેબસાઇટ પર તમને ભૂગર્ભ જળ સ્તરની તમામ માહિતી મળી રહેશે। તમે અહીંયાથી માહિતી અપડેટ કરી શકો છો, ડાઉનલોડ કરી શકો છો, અપલોડ કરી શકો છો। આ બધી માપણીનું પરિણામ એ આવશે કે દરેક નાના નાના ગામમાંથી જે ડેટા અપલોડ થયો છે તેના દ્વારા આખા ભારતનું ભૂગર્ભ જળ દર્શાવતો નકશો તૈયાર થઈ જશે, અને આ નકશો આવનાર પેઢી માટે આશીર્વાદ રૂપ બની શકશે। તો રાશિ જુઓ છો, આજે જ આ અભિયાનમાં જોડાઈ જાઓ અને તમારા ગામના ભૂગર્ભ જળ સ્તરની માહિતી અપલોડ કરી દો। યાદ રાખો, તમારો ડેટા ભારતના ભવિષ્ય માટે મહત્વનો છે, તો જલ્દી જોડાઈ જાઓ। ઓકે, સો હું છું ચેતસી, ફરી મળીશું એક નવી વાત સાથે। ટિલ ધેન સ્ટે કનેક્ટેડ।